हाई एवरी वन, वेलकम टू माई ब्लॉग। होप यू डूइंग वेल। और आप जैसे जानते हैं कि मौसम बदल गया है और यू फील लाइक ईटिंग ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ स्वीट थिंग्स। तो आज मैंने गुड़ की रोटी बनाने जा रही हूँ, शक्कर की रोटी, यू कैन प्रॉब्ली से जैगरी की रोटी पीसी हुई। तो इट्स वेरी यमी एंड टेस्टी एंड एज वेल एज इट इज़ हेल्दी ऑल्सो। तो आज मैं इसको बताऊंगी आपको कैसे। आपने पहले एक पेड़ा लेना है आटे का और उसमें ये स्टफ़ कर देना है और फिर इसको ऐसे स्प्रेड कर लो इवनली, ताकि ये हर कॉर्नर ऑफ द फुल मतलब आटे का ये स्प्रेड हो जाए और देन यू कैन मतलब मेक अ प्रॉपर परांठा ऑफ इट। और इसकी फिर हम रोटी बनाएंगे और फिर घी से हम इसे चोपड़ेंगे। और इसके मैं बेनिफिट्स आपको बताना चाहूँगी कि इसके इतने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो शुगर पेशेंट्स हैं वो मतलब नेचुरल शुगर है ये, तो इसको हम खा सकते हैं। अगर हम चीनी खाएं तो वो इट्स हार्मफुल, तो ये नेचुरल शुगर है तो इसको हम परांठे के में खा सकते हैं और इससे हमारे खून में प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब एनीमिया नहीं होता और रेगुलर पीरियड्स भी आते हैं और इसमें आपको दर्दें भी नहीं होंगी, जैसे बोन्स की पेन होती है वो नहीं होगा। और शुगर पेशेंट्स कैन हैव इट एंड बट स्टिल यू शुड आस्क योर डॉक्टर फॉर इट, ताकि मतलब आपको नुकसान ना हो। और इट्स वेरी हेल्दी और इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर योर पिंपल्स, एवरीथिंग। जो भी आपको एक्ने प्रॉब्लम है आपको कभी नहीं होगा, आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा इससे और इट विल मतलब कीप यू हेल्दी ऑल्सो, पर यू शुड टेक इन अ स्मॉल अमाउंट। तो अब हम इसको अभी ये हमने इसका बना दिया है, इसका स्टफ़ कर दिया है और अब इसको हम प्लेथन में डाल के इसका परांठा बनाएंगे। ये देखें, एंड यू शुड, जैसे ही मौसम बदले, गर्मियों में नहीं पर सर्दियों में, यू शुड गिव योर किड्स, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो पहले टाइम में लोग खाते थे। दे वर वेरी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड फिट। आज के बच्चों की इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। वाई? बिकॉज उन्होंने ये चीज़ें खाई नहीं है, ना देखी हैं, ना उनके पेरेंट्स ने देखी हैं। तो वी शुड ऑलवेज मेक आर किड्स ईट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे कीप इट हेल्दी एंड फिट एंड कीप योर इम्यूनिटी ऑल्सो गुड। ये देखें, और जो भी मेरी वीडियो देखता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखें और प्लीज़ ट्राई भी करें जो भी मैं रेसिपीज़ बताती हूँ, ताकि आप फिर मतलब एक बार बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसी चीज़ें बनती हैं। सो प्लीज़ डू ट्राई वंस वट एवर आई मेक एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू।